विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इंडियन क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे रोहित शर्मा ने 176 रन बनाए और आउट हो गए। रोहित भले ही डबल सेंचुरी से चूके, लेकिन भारत के काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके हैं। रोहित जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम में लौटे तो कप्तान विराट कोहली दरवाजे पर ही खड़े थे। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े कोहली ने रोहित की पीठ थपथपाई और फिर उनके अंदर जाने का दरवाजा बंद कर दिया। इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम पेज पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान विराट रोहित की पारी से खुश थे। कहा यह भी जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करने के बाद रोहित काफी झल्लाए हुए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने उन्हें शांत किया। आपको बता दें कि रोहित ने 244 गेंदों पर 23 चौके और 6 छक्कों की मदद से बड़ी पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में ये रोहित का चौथा शतक था। हालांकि रोहित अपने बेस्ट स्कोर से 2 रन से चूक गए। रोहित का टेस्ट में बेस्ट स्कोर 177 रन का है, जो उन्होंने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में बनाया था। ये रोहित के करियर का पहला टेस्ट मैच भी था। रोहित और मयंक ने भारत के लिए पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़ दिए। साझेदारी के बाद फिलहाल इस टेस्ट में भारत काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।